सेट नंबर टू ईयर 2020 बायोलॉजी एंड सॉल्ट सीरीज अनसॉल्ट सीरीज, ठीक है। ये पैटर्न है, ठीक है, ये चल रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर थ्री का, सॉरी ए क्वेश्चन है, थ्री का ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्कस दिस, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि सी ही क्वेश्चन है, ठीक है, सी। ये ड्रॉ द लाइन स्केच डायग्राम ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सो आपको बेसिकली एक ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोलॉजी और इकोसिस्टम एंड दिस चैप्टर इज रिड्यूस ड्यू टू COVID-19, बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि इसका मैं ओवरव्यू आपको दूँ, ठीक है। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली क्या होता है इन इकोसिस्टम, थोड़ा सा बता देते हैं। इकोसिस्टम ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसफॉर्म by energy is known as trophic level or flow of energy, ठीक, इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होता है, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में बेसिकली, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी के थ्रू, उसे ट्रॉफिक लेवल या फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखते हैं। देन व्हाट इज द एग्जाम्पल, तो लेट्स डिस्कस इन अ इकोसिस्टम। ओके, यहाँ से ले पूरा, अगर ले तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इन इकोसिस्टम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है, सन है। देन सन से प्रोड्यूसर कोई एनर्जी जाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, देन इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, देन दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कंटेंट सेकेंडरी कंज्यूमर, then this energy is utilized by the tertiary consumer as a form of nutrition content tertiary consumer, then this energy is utilized by the decomposers in each ecosystem, decomposers in ecosystem, those types of organisms are depends on their nutrition content on the dead and decay materials. This is known as a decomposer in ecosystem. Okay, so energy is transferred from the sun to producer to primary consumer, then secondary consumer, student, then tertiary consumer, then decomposer. The flow of energy is transferred the linear way. The flow of energy, we can say that flow of energy is transferred from by a linear way, ठीक है, linear way. So this is known as flow of energy, ठीक है, or a trophic level. So this is a trophic level diagram. कोई भी जो ट्रॉफिक लेवल में जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर वे में हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन कंटेंट जितने भी है लीनियर वे में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, दिस इज अ एनर्जी दैट ट्रांसफर इन अ लीनियर वे, दिस इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल, इसी को बेटा ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सो रिमेम्बर ऑलवेज प्रोड्यूसर्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है बच्चों, then primary consumers are all herbivorous organisms,
herbivorous animal या herbivore animal. Then secondary consumer is all carnivore animals. Then tertiary are the herbivore plus carnivore. Then decomposers are those type of organisms are different, the dead and decay materials. For their nutrition. So this is a diagrammatic view of the traffic layer. Okay. So this is clear, beta. आगे सबको. आगे सबको. बताइए बेटा. सबको ये आ गया. अच्छा ठीक. सो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल बिकॉज दिस चैप्टर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस पेंडेमिक और कोविड-19 बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन. ठीक है तो इस बात को याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर. Question number 3 पर D. When the cross is made between the tall plant with yellow. देखिए इसको एक simplest form में करेंगे. ठीक है D. कह रहा है that is cross between the tall plant. ये basically tall plant है. And yellow. ठीक है लिख लो. The symbol is T T and Y. ऐसे देख लिया. फिर कह रहा है क्रॉस विद द ग्रीन शीट टॉल प्लांट एंड ग्रीन शीट. बेटा इसका सिंबल है दैट इज टी टी वाई वाई. इनका हाइब्रिड निकाल लीजिए. ठीक है तो इसका हाइब्रिड बनेगा टी टी वाई वाई. ठीक है सबके एक एक करेक्टर ले लिए. ठीक है तो रिजल्ट में आप ये बताओगे दिस इज अ रिजल्ट. आपको मिलेगा टॉल एंड ग्रीन. ये ग्रीन का करेक्टर है लेकिन ये हाइब्रिड का मिलता है बेटा. पहले सो आप ये जान ले दिस इज अ हाइब्रिड करेक्टर ऑफ टॉल ग्रीन प्लांट. सो रिजल्ट क्या लिखोगे टी टी वाई वाई. ये क्या है बेसिकली टॉल हाइब्रिड ग्रीन प्लांट. ग्रीन हाइब्रिड यहाँ इसलिए मैं जोड़ रही हूँ बिकॉज आपसे कैसे पूछ ले ये नहीं पता. ग्रीन प्लांट. सो आपके ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है. क्या आएगा देखिए तो कह रहा है टॉल एंड ग्रीन प्लांट ड्राफ एंड ग्रीन प्लांट. तो टॉल एंड ग्रीन प्लांट आएगा क्योंकि पहला सिंबल क्या है टॉल का है और ये हाइब्रिड में आ जाएगा तो टॉल हाइब्रिड होता है तो टॉल हाइब्रिड ग्रीन प्लांट. ये बात समझ में आ गई. बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया सबको. बताओ बेटा जल्दी रिस्पॉन्स करो थोड़ा. आया कि नहीं आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है. ई बायो फर्टिलाइजर टू इंप्रूव क्रॉप कल्टीवेशन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर.
is known as biofertilizer. ठीक है, इसको बायोफर्टिलाइजर बेसिकली कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन ये है कि बायोफर्टिलाइजर तीन कैटेगरीज में डिवाइड्स है। एक है मैन्योर, सेकंड इज ग्रीन मैन्योर, थर्ड इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। सो इस बात को आपको याद रखो, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट मैन्योर, जो मैन्योर होता है बेसिकली वो पल्सेस, ठीक है, गोवर, ठीक है, इन सब का एक मिक्सचर होता है, या सेपरेटली इनको क्या करते हैं, बिफोर कल्टीवेशन, बिफोर कल्टीवेशन, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक जो क्रॉप कल्टीवेशन होगा उसके पहले इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इससे बेसिकली क्या होता है कि बेटर क्रॉप कल्टीवेशन होता है, बेटर क्रॉप कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी हम क्रॉप कल्टीवेशन बेसिकली करने जा रहे हैं, तो अगर उससे पहले पल्सेस वार, मतलब डिफरेंट टाइप की पीस भी आती है, मटर्स वगैरह, उनका अगर हम कल्टीवेशन कर दें, ठीक है, तो होगा क्या कि उसके बाद उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत इंप्रूव हो जाती है। फर्टिलिटी रेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बेसिकली इंक्रीजेस, ठीक है, और बेटर क्रॉप कल्टीवेशन हो जाता है। तो इसलिए भी बेसिकली मैन्योर का यूज होता है। तो ठीक है, अब ग्रीन जो होती है बेसिकली मैन्योर, वो क्या होती है, उसको समझते हैं। जैसे मान लो ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स, उसकी लीव, इसका जिसके वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, उसके मिक्सर से बेसिकली एक ग्रीन मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करती है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बेटर होता है, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बेटर होता है। तो इस बात को याद रखो। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, जो पेरिथ्रमा पास्मा होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है बेसिकली, अर्थवॉर्म क्या करता है, जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है। अर्थवॉर्म इंक्रीजेस द फर्टिलिटी रेट ऑफ सॉयल, ठीक है, छोटे छोटे से होल्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, होल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रेट हो जाती है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की जो कंटेंट है वो हाई हो जाती है, तो फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होता है कि कोई भी जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो हाई यील्ड वाला हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सो ये बेसिकली होता है वर्मी, वर्मी कंपोस्ट। अब नेक्स्ट इसी में आता है, एक और कैटेगरी होती है इसकी, ठीक है, वो होती है केमिकल फर्टिलाइजर की। केमिकल फर्टिलाइजर, सो बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे मतलब जो केमिकल से रिलेटेड होते हैं जितने भी, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो यूरिया वगैरह, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छा हो। बट एक्चुअली क्रॉप का कल्टीवेशन बेटर हो सके, बट एक्चुअली दे आर ए वेरी हार्मफुल फॉर सॉइल, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर सॉइल। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यूजेस दिस केमिकल फर्टिलाइजर, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूजेस केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, दिस इज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट इन सॉइल,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, तो इसका भी याद रख लेंगे। तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है इसका इन सॉइल, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और सॉइल पोल्यूशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये है केमिकल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।